हाय माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और देश ब्रांडेड क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। क्योंकि आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप 25 यानी 25 मीनिंग्स के बारे में जो डेली यूज की जाती है, उन्हीं मीनिंग के बारे में आज पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो जल्दी से मीनिंग को एक एक समझाने वाले हैं, पूरा अच्छे से रखिए। आई का मतलब होता है मैं, आई का हिंदी अनुवाद है मैं, माई का मतलब है मेरा, उसी में अगला नंबर दिया गया है मी। मी का प्रयोग कहाँ पर होता है? मुझे, मी का हिंदी अनुवाद है मुझे। अगला नंबर है यू, यू को क्या कहते हैं हिंदी में? तुम या आप, आप या तुम। अगला नंबर है योर, योर मतलब होता है आपका, आपका, आपका या तुम्हारा। अगला नंबर दिया गया है अवर्स, अवर्स का मतलब होता है हमारा, हमारा। अब अगर बात कर दिया जाए कि दैट और दिस का प्रयोग कहाँ पर होता है, तो दैट का प्रयोग दूर की वस्तु के लिए होता है और पास की वस्तु के लिए दिस का प्रयोग किया जाता है। सपोर्ट दैट आपको दिखाते हैं कि दैट का मतलब होता है वह, दिस का अर्थ होता है या, दूर की वस्तु के लिए, ये होता है पास की वस्तु के लिए। कुछ इस प्रकार से मैंने आपको समझाया कि यानी दूर की वस्तु के लिए इसका प्रयोग और पास की वस्तु के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो आई होप आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसी प्रकार आगे चलते हैं, वी, वी का अर्थ दिया गया है, तो वी का मतलब होता है हम। अस का मतलब होता है मैं। इट का मतलब होता है यह। दे का मतलब होता है वे, और दे का प्रयोग भी दूरी की वस्तुओं के लिए ही किया जाता है। जैसे वे किताबें रखी हैं, वे किताबें हैं, वे कलमे हैं, इस प्रकार। माइन का अर्थ होता है मुझे, माइसेल्फ का मतलब होता है खुद, तुम खुद, तुम। हिमसेल्फ का मतलब होता है वह खुद, वह खुद। हिम का मतलब होता है उसे, योर्स का मतलब होता है तुम्हारा, तुम्हारा। हर का मतलब होता है उसे, बट ये लड़की के लिए, और ये लड़के के लिए। ही का मतलब होता है वह, लड़के के लिए। सी का मतलब होता है हुआ, इज का मतलब होता है। जैसे कि दिस इज अ कैट, यह एक बिल्ली है, उसमें आपको इज का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर बात कर दी जाए एम की, तो एम का मतलब होता है हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम ए डॉक्टर। आर है, वह जा रहे हैं, ही आर गोइंग, वे जा रहे हैं, ठीक है। वाज का मतलब होता है था या थी, और वर का मतलब होता है थे या थी, थे या थी। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको बता दिया, डेली यूज किए जाने वाले 25 वर्ड्स, डेली यूजेज 25 वर्ड्स इन वोकैबुलरी। तो आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। इंग्लिश सीख रहे हैं तो जल्दी से औदेश ब्रांडेड क्लास को जल्दी से जा करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो, अपने दोस्तों के पास भेजो और इंग्लिश आसानी के साथ बोलना सीखो।